नमस्कार सर। सत साहिब जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान का हूँ। जो गीता गोरख्स प्रेस के जो संपादक हैं हनुमान प्रसाद जी पोदार, उनकी जन्मस्थली रतनगढ़ है, जिला चूरू राजस्थान। उसी जन्मस्थली का जन्मस्थान मेरा रतनगढ़ है, मेरा गांव। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 25 अक्टूबर 2014 को ली थी। सर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? माँ भगवती की पूजा करते थे, गणेश जी की भी पूजा करते थे और बालाजी की भी पूजा करते थे। लेकिन संजोगवश ऐसे ही रहा कि हमारे पूर्वजों के टाइम से भी हमारे घर में किसी तरह का कोई मंदिर ही नहीं था। बस ऐसे ही फोटो थी, उस पर अगरबत्ती लगा देते और ये तड़फ रहती थी कि ये आत्मा किसी और की है, कोई परमात्मा नाम कोई शब्द है, वो तड़फ थी। उस तड़फ के लिए प्रयास करते थे, टेलीविज़न देखते थे और ये जितने भी धार्मिक चैनल आते हैं उनसे संतुष्ट नहीं होती थी। और घर पे ये मद भगवत गीता ये भी पढ़ते थे, लेकिन कहीं कहीं ये टीवी चैनल पे दिखाते थे कि मद भगवत है, गीता है, इनका आज चल रहा है साप्ताहिक, तो उसमें माते बहने भाई ये नाचते गाते थे, तो ऐसे लगता है कि ये तो कहीं गीता में लिखा नहीं है, ये नाचते हैं गाते हैं। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इसके अलावा आप शास्त्रों का अध्ययन भी करते थे, तो इन सब भक्ति करते हुए भी आपको कोई लाभ हुआ या नहीं? संत रामपाल जी की शरण से पहले बहुत देवी देवताओं की इनकी जो भक्ति करते थे उनसे कोई लाभ नहीं मिला, 0% लाभ नहीं मिला, बल्कि हानियाँ ही होती रहती। शारीरिक विकार, मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानियाँ, ऐसी परिस्थितियों का समझौता यानी टाइम चलता ही रहता था, कोई बेनिफिट नहीं मिला। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का कारण क्या था? आत्मा में ये तड़फ रहती थी कि कोई अच्छा संत मिले, कोई अच्छे सतगुरु की शिक्षा मिले जिससे ये इस आत्मा का कोई कल्याण हो सके। वैसे तो हमारे पहले भी आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन उनसे मतलब संतुष्टि नहीं हुई इस आत्मा को कि ये जिसे इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो कोई वास्तविक मोक्ष मार्ग की तरफ कोई ले जाने का कोई रास्ता नहीं बताया। उन्होंने हठधर्मी बताया, जैसे हमारे एक गुरु जी थे बेगानाथ जी, पहले उन्होंने खेचरी मुद्रा बताई, तो खेचरी मुद्रा में करता था, लेकिन मैंने करते करते ऐसे सोचता कि इस तरह की जो शारीरिक पीड़ा देकर अगर इस प्रकार से अगर परमात्मा को अगर पाना चाहते हैं तो शायद संभव नहीं कि परमात्मा मिल जाए। ये तो मैं करने में इतने सक्षम था, अदर कोई आदमी हो तो शायद उसकी जान भी जा सकती है ऐसी खेचरी मुद्रा से। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? इनका जो ज्ञान हमने पढ़ा वो आत्मा को संतुष्टि हुई और उसकी वजह से ही हम बरवाला में नाम दीक्षा लेने के लिए वहाँ गए और हमें बहुत सारा लाभ हुआ। वो लाभ मैं आपको बताऊं कि पहले तो मोक्ष मार्ग का रास्ता मिला हमें इनकी भक्ति के द्वारा, जो शास्त्रों के अनुकूल है, सत्य सनातन धर्म के अनुकूल है, चार वेदों में, उससे हम सर्टिफाई हो गए, ये प्रमाणित हो गया कि शास्त्रों में जो ज्ञान है वो ही अच्छा ज्ञान है और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही, कबीर इज गॉड है वो दर्शाया है, और वो हमें बिल्कुल हमें आत्मा में प्रमाणित हो गया कि ये बात बिल्कुल सत्य और सही है। हमें सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि लड़के की शादी की हमने, तो उसको 1.5 साल हो गए करीब, 18 महीने के करीब, उसके कोई भी संतान नहीं हुई, तो मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने अपने बड़े पुत्र को बैठा के बोला कि बेटे अपने संतान इत्यादि नहीं हुई तो हम किसी तरह की कोई डॉक्टर से कोई दवाई वगैरह नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि हम कबीर परमात्मा की भक्ति करते हो, सामर्थ भगवान है, उनसे ही मांगेंगे और उनसे मांग रखी कि परमात्मा हमें संतान दे, हमें पोता दे, तो हम यही करेंगे। तो फिर हमारी बहू ने एक दिन ऐसे विचार किया कि वो अपनी सास को बोलने लगी, मेरे धर्मपत्नी को, कि माता जी मेरे को भी आप गुरुजी की शरण में आना चाहती हूँ और मैं नाम दीक्षा लूँगी। तो मेरी मिसेज ने मेरे धर्मपत्नी ने कहा कि ठीक है, आप गुरुजी के सारे नियम मैं बता देती हूँ और वहाँ और पूछ लेंगे, तो इस तरह की आप मर्यादा में रह के भक्ति करोगी तो बेटे आनंद ठाट है। तो 18 महीने के बाद में जब बहू ने नाम लिया तो प्रथम दिन ही उसने नाम दीक्षा ली, उस दिन वो कमल के फूल पे परमात्मा का जो कबीर साहब का
प्रकट हुए उसका जो बच्चे के रूप में कमल के फूल पे वो फोटो लेके गई और 15 दिन बाद में अपने वो माता के पियर चली गई। वहाँ से उसकी माँ ने उसकी जांच करवाई कि तेरे को काफ़ी दिन हो गए, तेरे किसी तरह की कोई तरह का कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ, मैं तेरे को डॉक्टर को लेके दिखाती हूँ। ले जाके उसने डॉक्टर को पास गई लेके, डॉक्टर ने उसकी पहले प्रेगनेंसी जांच की तो उसने बताया कि इसको भाई फुल फास्ट प्रेगनेंसी बता रहा है, इसलिए आप किसकी जांच करवाना चाहते हो? बोले इसी की है। तो बोले अच्छी बात है। उसने फिर हमारी समंदन ने मेरी धर्मपत्नी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके मैं आप मेरी बेटी को लेके गई थी डॉक्टर को और ऐसे ऐसे करके मतलब इसको फुल फास्ट प्रेगनेंसी बता रहे। तो हमने परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है, परमात्मा हमने जो चीज़ मांगी वो मिली। और उसका बाद में मेरे लड़के ने कहा कि मैं मोटरसाइकिल का मैकेनिक पापा पूर्ण रूप से तैयार होगा, मैं काफ़ी समय से 10-11 साल से अब नौकरी करूँगा, आप मेरे को दुकान करवा के दो। तो मैंने उसको दुकान करवा के दी मेरे गांव से 35 किलोमीटर दूर। गुरुजी से पहले प्रार्थना लगाई कि आप गुरुजी दुकान करना चाहते हैं लड़के को तो आपकी क्या रजा है। तो गुरुजी ने आदेश दिया कि दुकान कर लो। दुकान जब हमने कर ली तो 4 महीने तक हमारे पास न तो 1 रुपया था और न ही हमें किसी से मांगते थे। वो देते बोलते कि हमें पार्टनर बना लो, कोई बोलता है इतना ब्याज लगेगा, हमने सहमत नहीं हुए। हम फिर 5वें महीने बाद पैसे मिले हमें और बैंक भी हमारे को पैसे देने के लिए पहले तो तैयार थी 2.5 लाख रुपये, फिर इनकार हो गई। फिर 5वें महीने में बैंक 50,000 रुपये देने के लिए एग्री हो गई और लड़के को मैंने दुकान करवा के दी मोटरसाइकिल मैकेनिक की। वहाँ जितने भी आते थे कस्टमर वो सब बोलते थे कि आप बहुत पहले आने वाले थे ये दुकान लेने के लिए, ले तो रखी थी आपने लेकिन आप इतने समय पहले नहीं आए, इसका कारण क्या है? मैंने कहा पैसे वैसे की व्यवस्था नहीं। बोले पैसे वैसे की व्यवस्था क्या, आपकी कोई और भी जो परेशानी थी वो भी यहाँ से टल गई। हमने कहा कैसे? बोले यहाँ बस तो रुकती है डेली जो रोड पे जाने वाली गांव वाली, तो एक लड़की थी शादीशुदा वो आपकी दुकान के ऊपर यहाँ बैठी थी, 3 सीढ़ियाँ ऊपर बैठी थी और एक जीप वाला आया जीप लेके और वो फास्ट ऐसे लेके आया कि उसकी बैठी थी उस सीढ़ी पे तो उसके पैर टांगे अलग अलग कर दी उसने। तो हमें ये लगा कि कितनी बुरी परिस्थिति हमारे साथ होती, शायद गुरुजी ने हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं को रोक कर और हमें ये इस परिस्थिति से बचाया। फिर उसके बाद में मैं और लड़का एक मोटरसाइकिल एक मैकेनिक के पास गया, सरदार शेर जा रहे थे तो वो उसका चेसिस इतना बेंड था कि हम उसको आराम से लेके जा रहे थे रात को 11 बजे। तो लड़के ने कहा कि पापा गाड़ी तो बहुत कंडीशन ख़राब है। मैंने कहा तो चलो कोई नहीं, परमात्मा का स्मरण करके लेके चले रहे हैं। तो हम स्मरण करते करते चले गए। रास्ते में 20 किलोमीटर के बाद मैंने पेट्रोल लिया। पेट्रोल लेने के बाद में मोटरसाइकिल में से चलते ही मेरे पुत्र के जेब से पर्स निकल के गिर गया। उसने कहा कि पापा मेरा पर्स गिर गया। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी मालूम चल गया, मेरे पैर के टच हो गया, गिर जाने दे, जो भी कुछ है वो फिर परमात्मा देगा यार, नहीं उठाएंगे रात के टाइम, कहीं भी नहीं रोकेंगे, चलो कैसे भी। लड़के ने कहा उसमें ऐसे है सामान है, ऐसे पैसे है, आइडिया है। मैंने कहा सारी कुछ बनवा देंगे। ऐसे करके हम पहुँच गए। तो मैकेनिक कहा आप कैसे चल के आए? मैंने कहा इसके ऊपर ही बैठ के आए। तो बोले ये तो बहुत बड़ी कोई शक्ति आपके साथ ही कि आज भी चल के आ सकते हैं, इस पर तो बैठ नहीं सकता आदमी, चल के आ नहीं सकता ऐसी बैंड स्थिति में। फिर भी बच्चे ने कहा कि पापा देखो वो पर्स गिर गया, आप पैसे वैसे अब आपके पास ही दो मैकेनिक को। मैंने कहा मैं दे देता हूँ। तो हमने उनको पैसे वैसे दे के उसी मोटरसाइकिल को रात को 3 बजे कंप्लीट करवा के वापस सरदार शेर से हमारे रतनगढ़ आए 50 किलोमीटर चल के और सुरक्षित पहुँच गए। और मेरे पुत्र ने कहा कि पापा मेरा पर्स कैसे भी करके मेरी सारी आइडिया बनवा लो। मेरी बीवी ने कहा कि बेटा ऐसे है अपने गुरुजी से प्रार्थना लगा लो तो मिल जाएगी। ऐसे करते 4 रोज़ निकल गए। हम रोज़ाना उस बैग को उठाते देखते, उसमें से कुछ नहीं मिलता था। 5वें रोज़ लड़का जब आया था दुकान से वो बैग को लेके, वो अपनी छोटी बहन को बोला कि ले तेरे लिए आइसक्रीम लेके आ रहा हूँ। तो उसने तुरंत बोला कि देखो मेरा पर्स निकल गया, वो मिट्टी से धूल से भरा हुआ था, जबकि मेरे गांव से 50 किलोमीटर दूर रात्रि के टाइम में वो गिरा था और 5वें दिन हमारे घर पे वो वापस लड़के के बैग में ही मिल गया था। जबकि हमारे घर में कहीं भी कोई कच्चा नहीं है, कहीं मिट्टी नहीं है और रस्ते से लड़का डेली अप डाउन करता बस में और दुकान में भी, उसके अलावा कोई दूसरा कोई आदमी भी नहीं है कि उसको डाल दे उसके अंदर। ऐसे करके परमात्मा का ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे लिए। और आर्थिक व्यवस्था परमात्मा की दया से इतनी मजबूत है कि आज बिल्कुल अच्छे हैं वो आपके सामने स्पष्ट है।
सर, आमजन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आमजन को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज से पूर्व जितने भी भक्तजन हैं वो जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र के विरुद्ध है, और अब जो भक्ति कोई करना चाहते हैं वो संत रामपाल जी की शरण में आए और शास्त्रों के अनुकूल जो भक्ति करेगा वो ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त होगा, और इनकी जो भक्ति है बिल्कुल सार्थक है, प्रमाणित है, और कबीर इज़ गॉड ये बिल्कुल प्रमाणित है, इसको कोई संदेह नहीं है। इसलिए सभी भक्त समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और अधिकतर टीवी चैनल चलते हैं उनके माध्यम पे जो मोबाइल की जो पट्टी चलती है उसके संपर्क करके आप जिस किसी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में आपको नाम दान केंद्र पे वो आपको भेज देंगे, और नाम दीक्षा लेके अपनी मर्यादा में भक्ति लेके और अपना मोक्ष मार्ग करवाएं। धन्यवाद सर, सच्चाई।